हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा मैं, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स में दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसके डेली लाइव क्लासेस होगी। बच्चों, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, यहाँ पे आपको पेपर लिया जाएगा, क्विज करवाया जाएगा, इंटरेक्टिव वे में सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर कोर्सेस है। कोर्सेस स्ट्रक्चर का मतलब आपको सिलेबस टाइम पे खत्म, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने सब्सक्रिप्शन एक बार ले लिया तो जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन जो आपके मान लीजिए फिजिक्स में 40 टीचर्स हैं या 60 टीचर्स हैं, लाइव क्लासेस में जितने भी टीचर, आप सबकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसके चार्जेस के बारे में जल्दी से। क्या देखते हैं कि एक मंथ का जो चार्ज है, यहाँ पे देखिएगा, एक मंथ का 5,400, जो 10% का डिस्काउंट है। बच्चों, कहाँ मिलेगा? रेफरल कोड मेरा आदित्य यूज कीजिएगा। तब देखिए 3 मंथ का पर मंथ कितना है, 4,500। 6 मंथ का पर मंथ 3,600। 12 मंथ्स का क्या है पर मंथ, 2,250। 24 मंथ्स का क्या है पर मंथ, 1,350। देखिए बच्चों, अब शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें देखते हैं हम लोग, अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जो कंसीडर किया गया है कि काइनेटिक थ्योरी, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसके आरएमएस वेलोसिटी प्रेशर के बारे में, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर करके चलेंगे। जैसे एवरी गैस, पहला देखिएगा ध्यान से, इसको लिखना पॉसिबल नहीं था तो मैं लिख के ऑलरेडी नोट करके लाया हूँ। मैं इसको एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देयर साइज इज निग्लिजिबल। आपको गैस का जितने भी मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जो जो स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, वो सेम साइज का मॉलिक्यूल्स सेम साइज के रहेंगे। ठीक है, इसके बीच का जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस और इस मॉलिक्यूल का साइज, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, देयर साइज इज निग्लिजिबल। जो साइज है बहुत निग्लिजिबल मानते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये साइज के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब साइज इसका बहुत निग्लिजिबल मान के चलेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल, है ना? आइडेंटिकल मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेप एंड साइज, सारा मॉलिक्यूल्स का सेप एंड साइज इक्वल होगा। ठीक है, डिफरेंट देन द अदर दोज ऑफ, मतलब अदर गैस का नहीं, सेम गैस है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सारे सेम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, सारे एक, यदि स्पेसिफिक गैस उठाते हैं आप तो उसका मॉलिक्यूल का साइज सेप, ठीक है, सारा सेम होगा। इलास्टिक पॉइंट से देखते हैं तो ये सब क्या रहा, इलास्टिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल इन कंपेयर कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एक पूरे वॉल्यूम का गैस देखेंगे कंटेनर का, तो एक वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या निग्लिजिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डेंसिटी ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। डेंसिटी है तो आप पूरे कंटेनर में मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है वो हर जगह सेम होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन है तो वो आपको फॉलो करेगी, जैसे मोमेंटम की बात करेंगे ये सब। ठीक है, देयर मोशन इज आइसोट्रॉपिक, एनी मॉलिक्यूल कैन मूव मूवमेंट रैंडम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। मतलब रैंडमली आइसोट्रॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही डायरेक्शन फिक्स है, नहीं, रैंडमली मूव करेगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम स्पेंड इन कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल इन कंपेयर कंपेरिजन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, है ना? टू सक्सेसिव कॉलिजन मतलब एक कॉलिजन हुआ फिर दूसरा टकराया, है कि नहीं? आपका कॉलिजन का टाइम मतलब एक टकराया तो एक कॉलिजन हो गया, सक्सेसिव का मतलब वो टकराया फिर वापस आया, है ना, सक्सेसिव कॉलिजन आपका। अब देखते हैं द टाइम स्पेंड, देखिए द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ कॉलिजन जो भी होगा पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये मान के चलेंगे। हम डेरिवेशन करेंगे ना प्रेशर का, तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान में रखना है।
ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू देयर मोमेंटम चेंज। आपको इलास्टिक कोलिजन होगा, आपका मोमेंटम लॉस नहीं होगा। कोलिजन इनिशियल फाइनल कोलिजन देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रेशर का डेफिनेशन का, हम देख रहे हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, है ना, ये लेंथ है बच्चों एल, कंटेनर का वॉल इस तरह से बनाते हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। ये सरफेस एरिया ए, ये सरफेस एरिया ये बच्चों, ये क्यू, आप मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर फ्रेम कंटेनर है, ठीक है। गैस इसमें मूव करेगा बच्चों, बच्चे मान लीजिए इसका वी एक्स के वेलोसिटी है, ये वी वाई है और ये वी जेड है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस क्या वी जेड के कैप। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वी एक्स की वेलोसिटी सेम है तीनों की मैग्नीट्यूड में, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट थ्री वी एक्स मान लीजिए का स्क्वायर इक्वल टू क्या, रूट थ्री वी वाई का स्क्वायर भी हो सकता है और रूट थ्री कितना वी जेड का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों मैं क्या पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ से आके कोलिजन हुआ वॉल पे, मास एम था, बताइए ये वी एक्स से कोलिजन हुआ तो फिर टकरा के ये इधर गया है कि नहीं, देखिए इधर देखिए टकरा के ये इधर गया वी एक्स से, तो चेंज इन मोमेंटम जब लिखना होगा हमको चेंज इन मोमेंटम, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, क्यों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन देखिए तो इधर है ना, माइनस माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस एम वी एक्स हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम आपका पी इनिशियल हो जाएगा कितना एम वी एक्स, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, क्या गया आपका माइनस टू एम वी एक्स, मैंने याद था। चलिए अच्छा बच्चों फोर्स बताइए, तो वॉल पे एग्जर्ट कितना हो रहा है फोर्स हम देखते हैं। अच्छा बताइए टाइम कितना लगेगा, टाइम मतलब मैंने क्या बोला, टाइम देखेंगे क्या मोमेंटम चेंज है सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, तो टाइम देखेंगे तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डिस्टेंस कितना कवर करेगा सक्सेसिव कोलिजन का, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब ये डिस्टेंस बताइए एल है, एल जाने में टकरा के वापस आने में कितना, यहाँ से शुरुआत किया मान लीजिए मॉलिक्यूल्स, यहाँ से गया एल डिस्टेंस कवर किया एम वी से टकराया फिर वापस आया, तो सक्सेसिव कोलिजन में डिस्टेंस कितना लेंगे टोटल ट्वेल्व, ट्वेल्व ले लेंगे ना। तो डेल टाइम की बात करते हैं तो बताओ टाइम वेलोसिटी इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाई वेलोसिटी ट्वेल्व बाई क्या हो जाएगा वी एक्स, वेलोसिटी क्या था सेम था वी एक्स, यहाँ से ठीक है बच्चों। चलिए ये टाइम हो गया, अब बताइए एफ की बात करते हैं बच्चों, एफ की बात करते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि नहीं, तो बताइए जल्दी से फोर्स जो वॉल पे लग रहा है एग्जर्ट वो निकाल रहा हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना माइनस टू एम वी एक्स, टाइम कितना टू एल इंटू ये क्या हो जाएगा वी एक्स, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया आपका फोर्स, जो आ गया है फोर्स आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा फोर्स आ जाएगा आपका माइनस एम वी एक्स स्क्वायर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, ये फोर्स आ गया वॉल पे जो एक्सर्ट हो रहा है कि नहीं, ये आपका फोर्स आ गया। अच्छा बताइए प्रेशर क्या होता है बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फोर्स बाई एरिया ना, इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है बच्चों हिट करना है। अब ये जो मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूँ वेलोसिटी का है ना, प्रेशर प्रेशर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं प्रेशर, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।